इंडिया टुडे ने हाल ही में एक सर्वे किया हुआ है, और आप सभी लोग जानते होंगे इंडिया टुडे एक न्यूज़ चैनल भी है और एक आपकी पत्ती इंग्लिश में पत्रिका भी निकलती है, मैगजीन भी निकलती है। तो एक तरह से सर्वे को आप लोग इस तरह से कह सकते हैं कि लोगों के बीच जाकर आप पूछिए कि आपको कौन से प्रधानमंत्री, आपको नरेंद्र मोदी कितने पसंद हैं, कितने लोग दूसरे नेता को किसी को पसंद करते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। तो इसी तरह का एक सर्वे किया गया है और इसमें आप देखेंगे कि जो हमारे करेंट में वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, इनकी लोकप्रियता में गिरावट देखी गई है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पहले जितने लोग नरेंद्र मोदी साहब को पसंद करते थे, अब उनकी नापसंद बनते जा रहे हैं। आप देखेंगे वहीं योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, ममता बनर्जी, इन्हें लोग ज्यादा पसंद करने लगे हैं। लेकिन अभी भी आप देखेंगे हमारे प्रधानमंत्री पहले ही नंबर पर हैं। दो तीन आंकड़े और बताता हूं आपको, और आपको ये आंकड़े सुनकर आपको हैरानी होगी। आप सभी जानते हैं कि 2014 में 16 भी लोकसभा के चुनाव हुए थे, और इसमें आप देखेंगे कि बीजेपी को केवल 31% वोट मिले थे और उनका प्रधानमंत्री बन गया था। बीजेपी का नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री के रूप में बन चुके थे, यानी कि आप समझ रहे हैं कि 31% लोगों ने ही बीजेपी को वोट दिया था, 31% लोगों को ही बीजेपी पार्टी पसंद थी। और आप देखेंगे कि उन्हें 31% वोट मिलने के बाद 282 सीटें भी मिल गई थी, यानी कि आप समझिए कि 100% में से केवल 31% ही मोदी को अपना प्रधानमंत्री चुनने के लिए चुन रहे, वोट कर रहे थे एक तरह से। बाकी आप देखेंगे 769 यानी कि 69% लोगों ने दूसरी पार्टियों को वोट दिया था। तो आप समझिए कि हमारे देश की 50% भी जो जनसंख्या है उसने प्रधानमंत्री के लिए बीजेपी को वोट नहीं दिया था। और यही आप लोग 2019 के जो 17वीं लोकसभा थी उसमें देख ली थी आप लोग, कि आप समझिए कि इसमें मोदी साहब को 303 सीटें, बीजेपी की बात कर रहा हूं, 303 सीटें लोकसभा में मिली थी। और आप सभी लोग जानते हैं कि लोकसभा में 545 सीटें हैं आपकी, उनमें से 303 बीजेपी को मिली थी। और अगर हम लोग वोटों की बात करें तो आप देखेंगे 37.36% लोगों ने ही बीजेपी को वोट दिया था। 37.36% लोग ही बीजेपी के सपोर्ट में थे, फिर आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री बीजेपी का बन जाता है। और यहां भी आप देखेंगे 63% लोग बीजेपी के खिलाफ थे, यानी कि आप इस तरह से इसे समझिए कि 100 लोगों में से केवल 37 लोगों ने ही बीजेपी को वोट किया था। बाकी आप देखेंगे जो आपके 63 लोग थे वो नहीं चाहते थे कि बीजेपी को वोट दें, बीजेपी उनकी पसंदीदा पार्टी नहीं थी। और इसी तरह आप देख सकते हैं लोग जो आपकी विधानसभा चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश 2017 की बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि 403 यहां सीटें हैं विधानसभा में और बीजेपी को 312 सीटें मिली थी, एक बहुत बड़ा बहुमत। लेकिन अगर हम लोग वोट बैंक की बात करें तो यहां भी आप देखेंगे कि 39.40% लोगों ने ही बीजेपी को वोट दिया था। यहां भी आप देखेंगे 60% लोग बीजेपी के विरोध में थे, यानी किसी और पार्टी को उन्होंने वोट किया था। यहां भी आप देखेंगे कि उनका सीएम बन जाता है, बीजेपी सत्ता में आ जाती है। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, इतना विस्तार से क्यों बताने जा रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि आप सोचिए कि अगर एक बहुमत के लिए सेट कर दिया जाता कि आधे से अधिक संख्या आपके पास होनी चाहिए तभी आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं,
या आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो आप समझिए कि बीजेपी सत्ता में ना होती, यानी कि आधे भी लोग उन्हें पसंद नहीं करते। और ये बात इसलिए भी अभी चर्चा में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि मोदी सरकार को कोई हरा नहीं सकता है, और आप देख रहे हैं कि एक तरह से गठबंधन की बातें चल रही हैं, ममता बनर्जी, कांग्रेस, फिर चाहे आप लोग बाकी देख लीजिए पार्टियों को, एक महागठबंधन बनाने की सोच रहे हैं 2024 के लिए। तो आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि मान लीजिए कि जो इन्हें, मान लीजिए कि इन्हें 40% वोट मिल जाता है कि नहीं बीजेपी को, बाकी कितना बचा 60%। अगर वो सभी एक हो जाते हैं और हर सीट पर एक ही उम्मीदवार बीजेपी के खिलाफ उतारते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि बीजेपी हार जाएगी चुनाव। गठबंधन का मतलब समझे? आपको बता देता हूं एक और आंकड़ा। आपने देखा कि लोकसभा 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उत्तर प्रदेश में बीएसपी यानी कि मायावती और अखिलेश यादव ने गठबंधन किया हुआ था। अगर ये दोनों उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अगर गठबंधन कर लेते, तो आपको पता है बीजेपी से ज्यादा परसेंट वोट किसे मिलती? अखिलेश को और मायावती को, क्योंकि इनके पास टोटल आप देखेंगे 43-44% वोट बैंक है, और बीजेपी को कितना वोट बैंक था? 40%। यानी कि आप देखेंगे कि वोट का बंटवारा हो जाता है, इसीलिए आप देखेंगे कम लोग भी पसंद करें उम्मीदवार को तो वो चुनाव जीत जाता है। इस रिपोर्ट के बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक और उदाहरण दे देता हूं आपको। आप लोग विधानसभा चुनाव में वोट तो डालते होंगे ना। मान लीजिए कि आपकी जो विधानसभा क्षेत्र है, यहां 5 उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं, और आप समझिए कि सबसे ज्यादा जिसे वोट मिलेंगे वही आप देखते हैं कि चुनाव जीत जाता है। इसमें ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि 50% वोट, 50% से ज्यादा वोट आपको चाहिए होंगे तभी आप चुनाव जीत पाएंगे। तो आप देखेंगे किसी को आप समझिए कि 20% मिला है, किसी को 18% मिला है, किसी को 13%, किसी को 14%, किसी को 15%। तो यहां आप देखेंगे कौन चुनाव जीत जाएगा? 20% वाला। लेकिन यहां भी आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उन्हें, उसे, उस विधायक को 20% लोगों ने ही पसंद किया है, उसे वोट दिया है, बाकी आप देखिए कि 80% लोग उसके खिलाफ हैं। समझ रहे हैं आप लोग? और आप सोचिए कि वो चारों मिल जाते तो आप सोचिए कौन जीत जाता। वो चारों अगर मिलके एक को खड़ा करते तो वो चारों में से जो भी एक खड़ा होता वो चुनाव जीत जाता, और आप देखते कि उसे 80% वोट मिलता। तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ 20% वाला चुनाव जीत जा रहा है, यानी कि आप समझिए कि जनता जिसे, मतलब आप सोचिए 60% जनता विरोध में है, और 40% आप सोचिए जनता जिसके सपोर्ट में है वो चुनाव जीत जाता है। अब तो आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री साहब सबके प्रधानमंत्री हैं, चाहे उन 60% लोगों ने वोट दिया हो या ना दिया हो। लेकिन आप सोचिए कि कितना 2014 की बात करें तो केवल 31% लोगों ने ही प्रधानमंत्री बीजेपी को वोट दिया था, बाकी 69 यानी कि 69% लोगों ने बीजेपी को नकार दिया था। और यही 2019 के अगर लोकसभा चुनाव में देखें तो यहां भी आप देखेंगे 37.36% वोट केवल इतने ही आप देखेंगे बीजेपी को मिले, और बाकी आप देखेंगे 63% लोग यहां भी उसके खिलाफ थे। तो सीधी सी बात, इसका एक तरह से निष्कर्ष यही निकलता है कि अगर ये समय, ये सीमा हम लोग रख दें कि जिसे 50% से ज्यादा वोट मिलेंगे वही वही पार्टी
सत्ता में आ पाएगी। तो आप सोचिए, किसी को भी 50% से ज्यादा वोट नहीं मिला और कोई भी पार्टी सत्ता में आने लायक नहीं है। तो इसीलिए ये गठबंधन है, आप समझिए कि एक तरह से चिंता का कारण बना हुआ है। अगर ये सभी मिल जाते हैं तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे जो 63 यानी कि 63% लोग हैं वो एक हो जाएंगे। और आप समझिए, जब 63% लोग एक हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके 37% लोगों पर भारी रहेंगे वो। तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और यहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पास आप देखेंगे कि 19-20% वोट बैंक उसके पास तब भी था। और 17वीं लोकसभा में 2019 में अगर बात करें तो इस समय भी इसके पास 20% वोट इस समय भी रहा है उसके पास। तो ये हाल है। अब इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि आपका लास्ट एक साल में 66% से गिरकर 24% मोदी साहब की लोकप्रियता बची हुई है, यानी कि गिरावट काफी एक तरह से आप देखेंगे देखी गई है। 66% से आप देखिए डायरेक्ट 24% पर आना एक बहुत बड़ी गिरावट भी होती है। और योगी में अगर हम बात करें, योगी आदित्यनाथ की और अमित शाह और ममता बनर्जी, तो ये काफी पॉपुलर हुए हैं, इनकी लोकप्रियता में बढ़ोतरी देखी गई है। और प्रधानमंत्री की अगर हम लोग बात करें तो लोकप्रियता में पिछले एक साल के दौरान भारी गिरावट देखी गई है। एक तो आप देखें कोरोना आया हुआ था और आपने देखा अर्थव्यवस्था की हालत बहुत बुरी हो चुकी है, तो इन एक कारण भी आप देख सकते हैं हो सकते हैं। तमाम प्रयासों और प्रचार प्रसार के जुड़े अभियानों के बावजूद पीएम मोदी की लोकप्रियता एक साल में 66% से फीसदी से गिरकर 24% रह गई है। और अंग्रेजी न्यूज चैनल है इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन पोल के जरिए यह बात सामने आई है। जो आपका न्यूज टुडे इंडिया है ना, इसी ने सर्वे किया हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे, दरअसल इस सर्वे में पूछा गया कि भारत के सबसे उपयुक्त अगला प्रधानमंत्री पीएम कौन होगा। जनता के बीच उन्होंने पूछा कि अगला पीएम किसे देखते हैं आप लोग। तो अगस्त 2021 में सिर्फ 24% लोगों ने ही मोदी को पहली पसंद बताया है। और आपको एक और बात बता देता हूं, अगर 24% वोट भी बीजेपी के पास रहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहते हैं और बाकी ये गठबंधन नहीं होता है, तब भी आप देखेंगे 2024 में भी प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे, बीजेपी ही सत्ता में आएगी। अगर एक गठबंधन बन जाता है जिसकी कोशिश चल भी रही है, तो एक आप देखिए कि चिंता का कारण बन जाएगा। जनवरी 2021 में यह आंकड़ा 38% था और जबकि पिछले साल इसी महीने में आप देखेंगे 66% लोगों ने नरेंद्र मोदी को अपनी पहली पसंद बताया था। इसके भी जो भी कारण रहे हैं, कोरोना महामारी हो, अर्थव्यवस्था की बात हो, रोजगारी की बात हो, लोगों की पलायन की बात हो या सरकार की नीतियों की बात हो, तो ये सभी कारण रहे हैं। और सर्वे के मुताबिक आप देखेंगे तो केंद्रीय अमित शाह को महज 7% लोगों ने ही पीएम के लायक समझा है, जबकि जनवरी 2021 में यह आंकड़ा 8% था, यानी कि अमित शाह भी 1% से नीचे पहुंचे। अगर वहीं हम लोग राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बात करें, आजकल आप देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में काफी सक्रिय हैं, क्योंकि 2022 में आपका लोक विधानसभा चुनाव भी है। विपक्षी दलों की बात की जाए तो इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की लोकप्रियता में बढ़ोतरी देखी गई है। पोल के मुताबिक अगस्त 2021 में 10% लोगों ने ही प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी को अपनी पहली पसंद बताया था, 2021 अगस्त की बात कर रहा हूँ इसी की। और जनवरी 2021 में यह आंकड़ा आप देखेंगे 7% था, यानी कि 3%
3% की बढ़ोतरी रही है। कांग्रेस महासचिव की बात करें तो प्रियंका गांधी की तो लोकप्रियता में बीते एक साल में दुगनी हो गई है। अगस्त 2020 में उन्हें 2% लोगों ने ही पीएम मटेरियल यानी कि पीएम पद का उम्मीदवार समझते थे, लेकिन यह आप देखेंगे कि यह आंकड़ा बढ़कर 4% तक पहुंच गया है। तो इनकी भी आप देखेंगे कि एक तरह से लोकप्रियता में बढ़ोतरी देखी गई है। और सबसे जरूरी बात है कि पश्चिम बंगाल की टीएमसी और सीएम ममता बनर्जी की आपने देखा है कि बीजेपी को हाँ काफी अच्छी टक्कर भी दी है, और दोबारा आप देखेंगे तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। और एक बात और आपको बताता हूं, अभी अगर सभी स्टेट में देखें, सभी राज्यों में आप देखें, तो एकमात्र महिला मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही है। तो उन्होंने किस तरह से आप देखते हैं कि पिछली बार का भी रिकॉर्ड तोड़ के चुनाव जीता है, तो इसलिए उनकी पॉपुलर होना या उनकी लोकप्रियता बढ़नी स्वाभाविक सी बात है। और लोकप्रियता में भी दुगनी रफ्तार से वृद्धि की गई। अगस्त 2020 में उन्हें भी महज 2% लोगों ने ही पीएम मटेरियल मानते थे, पिछले अगस्त की बात कर रहा हूं, लेकिन जनवरी 2021 में आंकड़ा 4% हो गया। वहीं विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त यानी कि हार होने के बाद अगस्त 2021 में आंकड़ा 8% हो चुका है, यानी कि 8% लोग आने वाले समय में यानी कि पीएम के पद पर ममता बनर्जी को देख रहे हैं। और बता दें कि मूड ऑफ द नेशन अगस्त 2021 के सर्वे कार्वी इनसाइट द्वारा 10 जुलाई से 20 जुलाई के बीच किया गया है, इसी 2021 की बात कर रहा हूं। और यह पोल आप देखेंगे तो 19 राज्यों की 115 लोकसभा और 230 विधानसभा क्षेत्रों में किया गया है, यानी कहने का मतलब है कि 115 लोकसभा सीटों में ए चैनल या ए सर्वे करवाया गया है, जिसमें आप देखेंगे 230 सीटों पर भी गया हुआ है, विधानसभा सीटों की बात करें। ये सभी आंकड़े 19 राज्यों से लिए गए हैं। अभी आप देखेंगे करंट में तो कितने राज्य हैं, 28 तो आपके राज्य हैं और 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो मुझे लगता है कि आप समझ भी गए होंगे। यहां मेरा बताने का मतलब ये था कि आप सोचिए कि अगर हमारे यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आधे से अधिक लोग जिस नेता को पसंद करते हैं या जिस पार्टी को पसंद करते हैं वही पार्टी सत्ता में आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ ये है कि सबसे ज़्यादा जिस नेता को जिस पार्टी को वोट मिलेंगे सीटें मिलेंगी वही सत्ता में आएगा। अगर आप सोचिए कि एक तरह से एक निर्धारित कर दिया जाता कि 50% से ज्यादा जिस पार्टी को वोट मिलते हैं वही सत्ता में आएगी, उसका ही पीएम बनेगा, तो आप सोचिए कि अभी तो 2014 के लोकसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में किसी को भी 50% वोट नहीं मिले हुए हैं। और आप सोचिए कि अगर 37% भी लोग वोट करते हैं बीजेपी को, तब भी आप देखते हैं कि 545 में से 303 सीटें बीजेपी को मिल जाती है, यानी कि बाकी जो 63% लोग हैं उनका वोट बट जाता है। एक तरह से कुछ लोग वोट कांग्रेस को दे देते हैं, कुछ वोट बीएसपी को, कुछ आप देखिए कि आरजेडी होगी या शिवसेना हो गई, या कुछ लोग आप देखेंगे कि आपका बीएसपी को, एसपी को, तो इस तरह से वोट बैंक का एक तरह से बिखराव हो जाता है और बीजेपी के लिए आसान हो जाता है। और इसलिए आप देख रहे होंगे कि अभी जो ओवैसी साहब हैं इन्हें बीजेपी का बी टीम कह देते हैं कई लोग, मुझे नहीं पता कि देखिए हैं या नहीं है, लेकिन कुछ आपको बातें बता देता हूं कि बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ, ओवैसी ने चुनाव लड़ा, अपने उम्मीदवार उतारे, तो उसे नुकसान किसे हुआ? आरजेडी कांग्रेस को। फायदा किसे हुआ? बीजेपी को। यही उन्होंने नीति पश्चिम बंगाल में अपनाई, लेकिन पश्चिम बंगाल में सफल नहीं हुए। अब यही नीति वो उत्तर प्रदेश में अपनाना चाह रहे हैं कि मतलब जो मुस्लिम वोट बैंक है वो बट जाए, और इसका फायदा किसे होगा?
बीजेपी को। क्यों होगा? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैं सभी मुस्लिमों की बात नहीं कर रहा हूं, अधिकतर मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, वो या तो सपा को देते हैं या मायावती को देते हैं। और ओबीसी अगर पहुंचते हैं तो आप सोचिए कि मुस्लिमों का वोट बट जाएगा, कुछ एक तरह से ओबीसी को मिलेगा, कुछ कांग्रेस को, कुछ सपा को, कुछ आप देखेंगे मायावती साहब को, बीएसपी को। तो आप सोचिए कि बीजेपी के लिए और आसान हो जाएगा चुनाव निकालना। तो ये है पूरी गणित, और गठबंधन की गणित यही रहती है कि जो वोट बैंक का एक तरह से बिखराव हो रहा है वो एक हो। समझ रहे हैं आप लोग? ये पूरा गणित है कि आप सोचिए कि जो अभी भी आप 63% या 60% मान लीजिए, लोग जो बीजेपी के विरोध में हैं, जो बीजेपी को सत्ता में नहीं आना देना चाहते हैं, अगर आप सोचिए कि वो 60% लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो आप सोचिए क्या होगा? क्या हराना मुश्किल होगा? मुझे नहीं लगता है कि मुश्किल होगा। ये पूरा गणित है। और जितने आप देखिए कि एक तरह से चुनाव अधिक दल उत्तर प्रदेश में चुनाव में उतरेंगे उतना ही फायदा बीजेपी को होगा। यहां मेरा बुराई करना नहीं, यहां इस आर्टिकल को समझाना यही था, मतलब यही एक तरह से उद्देश्य था। और आप लोग करते रहिए वोट, मुझे उससे कोई राजनीति से मतलब नहीं है, मेरा बस समझाने का उद्देश्य था एक तरह से। क्योंकि कई लोगों ने ये सवाल भी किया हुआ था कि अगर एक गठबंधन सफल हो जाता है तो क्या बीजेपी को हराना आसान हो जाएगा। एक तरह से हम लोग निष्कर्ष पर सीधे से पहुंच जाते हैं, साफ सुथरी सी बात है कि ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री काफी लोकप्रिय हैं, ऐसा है वैसा है, जनता के पास दूसरा विकल्प नहीं है। समझ में आया सीधा? आप देखिए कि आपके क्षेत्र में अगर सभी चोर हैं तो आप लोग क्या देखते हैं कि कम कौन चोर है, उसी को आप लोग चुन लेते हैं। मुझे लगता है कि आप समझ भी रहे होंगे कि यानी कि कहने का मतलब है कि सभी जितनी भी पार्टियां हैं, ऐसा नहीं कि बीजेपी दूध की धुली है, बीजेपी है बुरी लेकिन कम बुरी है। और इसीलिए आप देखेंगे कि कम बुरी है तो लोग कहते हैं कि इसी को चुन लीजिए, कम से कम की कम तो है ये। तो यही अंक गणित, यही आंकड़ा है इनका। समझ में आया कि आप सोचिए कि जैसे 31% और 37% लोग चुनते हैं वो प्रधानमंत्री बन जाता है, बाकी आप देखिए कि विरोध में बने रहते हैं, उनका कुछ नहीं होता है। खैर आप लोग देखते रहिए आंकड़े, कोई ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि कुछ, अगर आप लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बाकी अपनी पढ़ाई करते रहिए, इससे नहीं कोई मतलब। लेकिन कई बार आप लोगों में से कई लोगों ने बात भी की हुई है कि प्रधानमंत्री मोदी को हराना किस तरह से हराया जा सकता है। तो यही गणित है, यही एक तरह से आप सोचिए रणनीति रहती है इनकी, और यही सब कहानी भी रहती है। खैर चलिए, इस तरह का देखिए, इस तरह के जो आपके सर्वे होते हैं बहुत मायने रखते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? यानी कि धरती पर जाकर सर्वे करवाना, लोगों से पूछना, एक बहुत बड़ी मायने रखता है। लोगों की किस तरह की समस्याएं हैं, लोग क्या चाहते हैं, ये आप सभी लोग बेहतर भी जानते हैं। और इससे पहले आपको बता दूं, 2014 में भी आपने देखा होगा सर्वे, 2019 में भी सर्वे देखा होगा, और साफ साफ कहा जाता था कि बीजेपी सत्ता में आएगी, प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे, मतलब बनेंगे। तो ये सर्वे आप लोग, ऐसा नहीं कि अब गिरावट हुई है तो आप लोग ये समझ जाएं कि नहीं, इस न्यूज चैनल ने प्रधानमंत्री मोदी साहब की बुराई की हुई है, या बीजेपी का विरोधी है, ये बीजेपी का पक्षधर है। अगर इस तरह की सोच आप भी रखते हैं तो रखते रहिए, उसमें कोई बदल भी नहीं सकता है। चलिए आप अपना वोट बैंक तो करते रहिए, वोट तो कम से कम दे आइए, जैसे भी देना है दीजिए।